आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं, चाहे वो साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो या फिर बिजनेस ही हो। खास करके बिजनेस की दुनिया में तो महिलाएं तेजी से उभर रही हैं और दूसरों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी बन रही हैं। लेकिन कई महिलाएं सही बिजनेस आइडिया और प्लान ना होने के कारण अपने कदम पीछे खींच ले रही हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देख रही हैं ना, तो आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपके लिए 15 नए और मजबूत बिजनेस आइडियाज हम लेकर आए हैं, जिन्हें आप कम पूंजी में ही शुरू कर सकती हैं और अपना करियर बना सकती हैं। ये आइडियाज अचार, पापड़ या सिलाई कढ़ाई तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज के दौर के हिसाब से मॉडर्न और असरदार भी है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हो सकता है आपको यहीं से आपका बिजनेस आइडिया मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नंबर एक, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर बिजनेस हमेशा से ही महिलाओं के लिए एक शानदार ऑप्शन रहा है। अगर आपको मेकअप और स्किन केयर का शौक है, तो आप इसे घर से ही कम लागत में शुरू कर सकती हैं। खास बात यह है कि आप अपने पार्लर के काम की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर भी डाल सकती हैं। इससे आपको अपने दर्शकों को नए नए ब्यूटी टिप्स देने का मौका मिल जाएगा, साथ ही आपके पार्लर का प्रमोशन भी हो जाएगा। वीडियो के जरिए नए कस्टमर्स जुड़ेंगे और आपकी कमाई का एक नया तरीका भी बन जाएगा। यह बिजनेस ना सिर्फ क्रिएटिव है, बल्कि बेहद ही प्रॉफिटेबल भी है। तो देर मत करिए, अपने ब्यूटी पार्लर का शुरू कर लीजिए, साथ ही अपने यूट्यूब चैनल से भी अपनी पहचान बनाइए। नंबर टू, कॉस्मेटिक शॉप। महिलाएं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ज्यादातर बिजनेस तो पुरुष ही कर रहे हैं। आप इस मौके का फायदा उठाकर कम इन्वेस्टमेंट करके अपनी खुद की कॉस्मेटिक शॉप खोल सकती हैं। महिलाओं को महिला ओनर वाली दुकानों पर ज्यादा भरोसा होता है, जिससे कि आपकी शॉप पर कस्टमर्स की अच्छी भीड़ होगी। आप अपने नॉलेज का सही इस्तेमाल कर सकती हैं और एक सफल बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं। अपनी शॉप से न केवल आप अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं, बल्कि महिलाओं को भी एक भरोसेमंद शॉप का एक्सपीरियंस दे सकती हैं। नंबर तीन, ज्वेलरी मेकिंग एंड सेलिंग बिजनेस। आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्रेज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपको ज्वेलरी डिजाइन करने का शौक है ना, तो आप इसे घर से ही बना सकती हैं और ऑनलाइन या अपनी खुद की शॉप से भी बेच सकती हैं। अगर आपके पास डिजाइनिंग का टैलेंट है, तो यह बिजनेस आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपने हाथों से खूबसूरत ज्वेलरी बना सकती हैं और उसे अच्छी कीमत पर बेच भी सकती हैं। इससे न केवल आप अच्छा मुनाफा कमाएंगी, बल्कि अपने डिजाइनिंग टैलेंट को भी एक नया मंच दे सकती हैं। अपने क्रिएटिव आइडियाज को कारोबार में बदलने का ये बेहतर मौका है। नंबर चार, फीमेल फिटनेस सेंटर बिजनेस। आजकल तो महिलाएं अपनी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक हो गई हैं, लेकिन कई बार मेल डोमिनेटेड जिम में वो जाने से हिचकिचाती हैं। ऐसे में एक फीमेल फिटनेस सेंटर खोलना एक शानदार बिजनेस आइडिया बन सकता है, जहां पर कि सिर्फ महिलाएं हों और स्टाफ भी फीमेल ही हो। वहां महिलाएं ज्यादा सेफ और आरामदायक महसूस करेंगी। फिटनेस के साथ साथ अगर आप ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी देंगी, तो महिलाएं बिना किसी झिझक के आपके सेंटर तक आ जा सकेंगी। फीमेल फिटनेस सेंटर ना सिर्फ एक प्रॉफिट देने वाला बिजनेस होगा, बल्कि इससे आप महिलाओं के हेल्थ गोल्स में एक अहम रोल भी निभाते हुए उनको सेहतमंद और खुशहाल जीवन जीने का मौका देंगी। नंबर पाँच, फीमेल ट्रैवल एजेंसी बिजनेस। आजकल महिलाएं अकेले या रात में सफर करने से हिचकिचाती हैं। ऐसे में फीमेल ट्रैवलिंग एजेंसी खोलना एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। अगर आपकी एजेंसी में ड्राइवर, कंडक्टर और बाकी स्टाफ सभी महिलाएं होंगी, तो महिलाएं आपकी सर्विस को ज्यादा पसंद करेंगी, क्योंकि उन्हें सेफ्टी का भरोसा मिलेगा। आप कस्टमर्स को वेबसाइट, मोबाइल ऐप या टोल फ्री नंबर जैसी सुविधाएं भी दे सकती हैं, ताकि महिलाएं आसानी से अपनी बुकिंग कर सके। ये एजेंसी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को एक सेफ और आरामदायक ट्रैवल एक्सपीरियंस भी देगा। नंबर छह, बिंदी मेकिंग बिजनेस। बिंदी बनाना एक एवरग्रीन और कम लागत वाला बिजनेस है, जिसकी डिमांड हमेशा ही रहती है। इस काम को आप घर से ही बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ ही शुरू कर सकती हैं। बिंदी बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ जरूरी रॉ मटेरियल्स, जैसे कि चिपकने वाले शीट्स, स्टोन, ग्लिटर और डिजाइनिंग टूल्स की जरूरत है। बिंदी की बहुत सी वैरायटीज बनाई जा सकती हैं। ये काम सीखना भी आसान है और एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद ना आप बड़ी मात्रा में बिंदी बना सकती हैं। बिंदी बनाकर आप इसे लोकल मार्केट में बेच सकती हैं, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको लिस्ट कर सकती हैं। सोशल मीडिया का भी उपयोग करके आप अपनी बिंदी ब्रांड को प्रमोट कर सकती हैं। ये बिजनेस महिलाओं के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसे घर से किया जा सकता है और मुनाफा भी अच्छा होता है। नंबर सात, यूट्यूब ब्लॉगिंग। आज के समय में यूट्यूब ब्लॉगिंग न केवल टैलेंट दिखाने का, बल्कि कमाई करने का भी बेहतरीन तरीका बन चुका है। आप अपने चैनल के जरिए कॉस्मेटिक रिव्यू, फूड ट्यूटोरियल्स या सिलाई से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड कर सकती हैं। अगर आपको कॉस्मेटिक्स की अच्छी समझ है, तो नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर कर दीजिए। इससे महिलाएं आपके एक्सपीरियंस पर भरोसा करेंगी और प्रोडक्ट्स को खरीदेंगी भी।
इसी तरीके से अगर खाना बनाने का आपको शौक है तो नई नई रेसिपीज और कुकिंग टिप्स आप शेयर कर सकती हैं। सिलाई में इंटरेस्ट है तो सिलाई ट्यूटोरियल्स बनाकर अपलोड कर सकती हैं। ये भी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। यूट्यूब से कमाई करने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। इसके बाद यूट्यूब एडवर्टीजमेंट दिखाकर आपको रेवेन्यू मिलता रहेगा, साथ ही स्पॉन्सरशिप, अफिलियट मार्केटिंग और खुद के प्रोडक्ट्स को बेचकर आप अच्छी कमाई कर सकती हैं। नंबर 8, इवेंट प्लानर एजेंसी। इवेंट प्लानिंग बिजनेस महिलाओं के लिए एक बेहतरीन बिजनेस है, खासकर तब जब ज्यादातर इवेंट कंपनियां पुरुषों द्वारा चलाई जाती है। अगर आप एक ऐसी इवेंट प्लानिंग एजेंसी शुरू करती हैं जहां पर मैनेजर से लेकर स्टाफ तक सभी महिलाएं हों, तो आपकी सर्विसेज गर्ल्स पार्टीज, कॉलेज इवेंट्स और फैमिली फंक्शंस में काफी ज्यादा पसंद करी जाएंगी। महिलाएं अपनी फैमिली पार्टीज के लिए ऐसी एजेंसी को हायर करना ज्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल मानती हैं, जिसमें कि महिलाएं ही काम करती हों। महिला इवेंट प्लानर्स की खासियत होती है कि वो इवेंट्स को और भी बेहतर तरीके से समझती हैं, जो कि महिलाओं से जुड़े इवेंट्स में खास फर्क लाती हैं। आपका इवेंट प्लानिंग बिजनेस न सिर्फ ज्यादा बुकिंग लाएगा, बल्कि गर्ल्स नाइट्स, बर्थडे पार्टीज और फैमिली फंक्शंस में भी खास डिमांड रहेगी। साथ ही ये महिलाओं को भी रोजगार का एक अच्छा मौका देगी। नंबर 9, स्टॉक फोटोज और वीडियो शूटिंग। अगर आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का शौक रखती हैं, तो स्टॉक फोटोज और वीडियो शूटिंग एक बढ़िया बिजनेस आइडिया बन सकता है। एडवर्टीजमेंट एजेंसीज, न्यूज चैनल्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को अक्सर गांव की महिलाओं और संस्कृति से जुड़े हुए इमेजेस और वीडियोस की जरूरत पड़ती ही है। आप गांव की जिंदगी, उनकी परंपराओं और कल्चर को कैमरे में कैद कर सकती हैं। इन फोटोज और वीडियोस को आप अपनी वेबसाइट पर बेच सकती हैं या फिर बड़े स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म्स पर इसको अपलोड कर सकती है। ये एक आसान और कम निवेश वाला बिजनेस है जहां पर आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकती हैं और अच्छे से पैसे भी कमा सकती हैं। इसके लिए बस एक अच्छा कैमरा और फोटोग्राफी स्किल्स चाहिए, जिससे कि आप महिलाओं की जिंदगी और उनके सांस्कृतिक पहलुओं को दिखाते हुए एक यूनिक कॉन्टेंट तैयार कर सकती हैं। नंबर 10, वॉइस ओवर आर्टिस्ट। आजकल मूवीज, कार्टून्स और यूट्यूब वीडियोस के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डिमांड काफी बढ़ गई है। अगर आपकी आवाज अच्छी है या फिर आप अलग अलग तरीके की आवाज निकाल सकती हैं, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना एक शानदार विकल्प है। इस काम को आप घर बैठे ही शुरू कर सकती हैं और इसके लिए आपको बस एक अच्छा माइक और रिकॉर्डिंग सेटअप चाहिए। अपने सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचकर आप कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकती हैं। ये क्रिएटिव और प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें कि आप अपनी आवाज के दम पर कमाई कर सकती हैं। नंबर 11, किड्स केयर टेकर बिजनेस। अगर आपको बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है, तो किड्स केयर टेकर बनना एक बेहतरीन विकल्प है। आप घर से ही बच्चों की देखभाल करके बिजनेस को शुरू कर सकती हैं और इसके बदले में अच्छी फीस भी कमा सकती हैं। ये काम मजेदार होने के साथ साथ माता पिता को भी राहत देता है। नंबर 12, प्राइवेट टूर एजेंसी बिजनेस। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो आप प्राइवेट टूर एजेंसी बिजनेस शुरू कर सकती हैं। इसमें आप सिर्फ महिलाओं को ही जॉब पर रखें, ताकि लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। इस बिजनेस में सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महिला स्टाफ के साथ आप इसे बेहतर तरीके से मैनेज भी कर सकती हैं। नंबर 13, फीमेल ओनली रेस्टोरेंट। अगर आपको कुकिंग पसंद है, तो आप एक फीमेल ओनली रेस्टोरेंट शुरू कर सकती हैं। इसमें सभी एम्प्लॉयज महिलाएं होंगी और आप ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज भी चला सकती हैं। ये महिलाओं के बीच काफी पॉपुलर हो सकता है और आपको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। नंबर 14, अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाने का बिजनेस। अगरबत्ती और मोमबत्ती बनाना एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, खासकर भारत में पूजा पाठ के दौरान इनकी मांग हमेशा ही रहती है। आप इसे घर से ही शुरू कर सकती हैं और होलसेल मार्केट में इसको बेच भी सकती हैं। अलग अलग खुशबू और रंग की अगरबत्तियों और मोमबत्तियों को बनाकर आप अच्छी कमाई कर सकती हैं। नंबर 15, पेट सिटर बिजनेस। अगर आपको जानवर पसंद है, तो पेट सिटर का बिजनेस एक अच्छा विकल्प है। शहरों में कई लोग अपने काम के कारण अपने पेट्स की देखभाल नहीं कर पाते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इस सर्विस को शुरू कर सकती हैं। बस पेट्स की देखभाल करनी है और कमाई करनी है। दोस्तों, ये थे कुछ नए बिजनेस आइडियाज जिन्हें महिलाएं घर बैठे ही कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ शुरू कर सकती हैं। इसमें से आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ज्यादा पसंद आया है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।